राजधानी देहरादून में मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने पर पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी एक सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, यानी आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आगे उन्होंने बताया कि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवधीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी अगर एक सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूं तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है, जैसे अभी चल रहा है आपका उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिम विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले एक सप्ताह से 10 दिन का जो टाइम है इसमें कोई विशेष एक्टिविटी वेदर की है नहीं। करीब करीब ड्राई मौसम और रहने वाला है, धूप दिन में आपको दिखेगी और सुबह शाम ठंडा है। तापमान जैसे मैंने बोला कि मैदानी क्षेत्रों में इस समय जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और हिल्स में देखें तो 4 से 5 डिग्री है, या अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। तो हिल्स में तो ठंडा है ही है, काफ़ी ठंडा हो गया, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी सुबह शाम खासकर अगर देखेंगे तो काफ़ी ठंडा है। लोगों को इससे बचाव करना चाहिए और अभी आगे एक वीक भी जो स्थिति है वो करीब ऐसे ही रहने वाली है, कोई इसमें विशेष परिवर्तन है नहीं।